हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीआरओ ग्रेफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं एज, क्या एज मांगा गया है सभी पोस्ट के लिए। तो इसमें देखिए, आपको बता देते हैं कि एज लिमिट क्या है और रिलैक्सेशन कितना है। रेडियो मैकेनिक के लिए 18 से 27 ईयर्स है, रिलैक्सिबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 40 ईयर्स। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो ग्रेफ में कार्यरत हैं या किसी दूसरी फोर्स में कार्यरत हैं, उनको या कोई भी भारत सरकार का जो कर्मचारी है उनके लिए 40 साल तक है जनरल कैंडिडेट्स, एंड 45 है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑपरेटर कम्युनिकेशन जो है उसके लिए 18 से 27 साल है और उसके लिए भी रिलैक्सेशन वही है। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट जो है उनके लिए 18 से 27 साल है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। लेकिन अब यहां पर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट जो है उसमें देखिए 18, तो 18 का एज में लाइसेंस बनेगा, उसके बाद एक साल बाद जो है वो हैवी होता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना होना चाहिए। व्हीकल मैकेनिक के लिए भी 18 to 27, 18 से 27 साल है, रिलैक्सेशन वही है। जो मल्टी स्किल्ड वर्कर्स ड्रिलर 18 से 25 साल है, इसमें 18 से 25 साल है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 40 साल तक है और 43 इयर्स इन केस ऑफ ओबीसी एंड अप टू 45 इयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC एंड ST। मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन 18 से 25 साल, मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर 18 से 25 और मल्टी स्किल्ड वर्कर मैस वेटर 18 से 25 साल है। अब जो रिलैक्सेशन है उसके लिए देखिए, यूआर एंड ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, SC ST को 5 इयर्स है और ओबीसी को 3 इयर्स है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविलियन एम्प्लॉय हैं एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 इयर्स ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस, उनके लिए 45 इयर्स है SC ST, 43 इयर्स ओबीसी एंड 40 इयर्स जो है वो यूआर के लिए। अब इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स हैं उनके लिए 5 साल है, और एक्स सर्विसमैन का जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन होता है वो सब है, और पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए 10 इयर्स है। नो एज रिलैक्सेशन इन अलाउड टू SC ST ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसीज। तो अनरिजर्व वैकेंसीज में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करता है उनको यूआर कैंडिडेट के रूप में अप्लाई करना होगा। और एज एंड एक्सपीरियंस कब से माना जाएगा, तो देखिए ये माना जाएगा क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, वो है 45 दिन रोजगार समाचार में पब्लिश होने के बाद। वेटेज, अब देखिए वेटेज की हम बात करें, हम वेटेज क्या होता है कि एक प्रॉब्लम होती है कि ग्रेफ में कॉल लेटर नहीं आता, उसकी वजह क्या है। ग्रेफ में कॉल लेटर नहीं आता उसकी वजह ये है कि ग्रेफ में कैंडिडेट्स को वेटेज दिया जाता है, और उस वेटेज के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके बनते हैं उनके आधार पर आपका एडमिट कार्ड जारी होता है। इन ऑर्डर टू हेल्प वार्ड्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ग्रेफ पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्समैन एंड एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, हाईएस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग वेटेजेस विल बी added to the percentage of marks obtained for issue of initial call letter only, and no weightage will be added for any further recruitment process. जो final merit बनेगा उसमें किसी प्रकार का weightage नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो आपके admit card issue होंगे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उसमें weightage दिया जाता है। कितना दिया जाता है, तो जो son of serving और retired grave person है उनको 15% का दिया जाता है, और विच कंसेशन टू ओनली वन सन, एक सन को दिया जाएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट का 10 है, बी का 5 है, सर्विंग ग्रेफ पर्सनल अप्लाइंग फॉर हायर पोस्ट ओपन मार्केट उनको 15, और सन ऑफ एक्स सर्विसमैन को 3 मिलेगा 3%, और स्पोर्ट्स एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल को 5%, और कैजुअल पेड लेबर CPL जिनको बोलते हैं जो ऑलरेडी ग्रेफ में काम कर रहे हैं उनको 10% वेटेज मिलेगा। इसके आधार पर ये वेटेज किसके लिए है, ये वेटेज है सिर्फ एडमिट कार्ड जारी होने के लिए।
तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और इसके जो अगले पार्ट हैं उसमें आपके लिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी आपको बताएंगे, क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसको हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके लिए। जय हिंद।